अब जरा आप इस गुत्थी को भी समझिए कि आखिर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अपनी एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में 6 अभी और भी रैलियां होनी हैं। अमित शाह लगातार कश्मीर में ही कैंप कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत के अपने अलग राजनीतिक मायने हैं। कश्मीर में पहले बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी डंके की चोट पर कह सकेगी कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है और इसीलिए पूरे बीजेपी कुनबे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले 44 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया था लेकिन अमित शाह बीजेपी की झोली में 50 सीटें देखना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी का मिशन अब 50 हो चुका है। हरियाणा महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी के हौसले जरूर सातवें आसमान पर हैं लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि बीजेपी का दबदबा सिर्फ जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में है। कश्मीर जीतना उसके लिए मुश्किल होगा।